यूथ जो अपने भाई हैं जो कम एज के हैं रिसेंटली बाइक चलाना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं इन चीज़ों को देख के, चेकिंग वगैरह देख के भाई। बट डरना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से भाई, जब आपके पास सब कुछ है ही। तो फिर यहाँ रील्स बन रहा है भाई, और ये देखो जब इसको खींचोगे ना तब पता चल रहा है इस चीज़ का असली मज़ा भाई साहब, क्या ही पिकअप है भाई गॉड। 150 लो भाई, अभी शाम को मैं बस राइड के लिए निकला ही था कि यहाँ पे पूरा चेकिंग वगैरह का सीन देखा मैंने अभी। एंड मेरा एक फ्रेंड जो है ना थोड़ा डर वर के इधर अंदर बाइक लगा के बैठा हुआ था, जबकि उसके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कुछ अपने भाई है जो इस चीज़ों से डर जाते हैं भाई, जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पर है ना तो फिर डरना नहीं इन चीज़ों से। जब आपके पास हेलमेट्स है बाइक के पास, मतलब आपके बाइक में पूरा पेपर पूरा टू टंच है, ओके रिपोर्ट है, लाइसेंस है, फिर काहे का डर भाई। भाई किसी चीज़ का डर नहीं है, बट क्या करूँ भाई, यंग जो है ना यूथ जो अपने भाई हैं जो कम एज के हैं रिसेंटली बाइक चलाना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं इन चीज़ों को देख के, चेकिंग वगैरह देख के भाई। बट डरना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से भाई, जब आपके पास सब कुछ है ही तो फिर डर किस बात की है। तो बस अभी अपना रोहित बहुत दिनों के बाद आया, अपना भाई देखो निंजा लेके पूरा चमका चुमको के, और मैंने अपनी बाइक को वॉश करके घर पे रखा है अभी, और इसके वजह से मैं अभी निकला हूँ पल्सर 150 लेके, और वो भी विपुल की बाइक है। अभी आराम से चल रहे मरीन ड्राइव के पास। ओ माय गॉड, देखो भाई साहब टायर चेंज कर लिया रोहित ने, एक नंबर टायर भाई। देखो महंगा पड़ा होगा भाई, कितना पड़ा, पैसा कितना लगा? 4200 का टायर है भाई साहब, महंगी टायर डलवा ली भाई ने। किसका कैमरा ज़्यादा बेटर आ रहा है भाई, चेक कर रहे हो क्या? लो भाई बहुत दिनों के बाद मैं निंजा पे बैठ रहा हूँ, और यार बहुत दिन हो गया था इसको चलाए हुए। आराम से चलते हैं मिरर वगैरह सेट करके चले। तो प्रभु का नाम लेके आराम से चलने का ब्रो, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है। तो आराम से चलाते हैं, रील्स बनवाते हैं। तो अभी भाई मैं रील्स बनवा रहा हूँ, और मुझे याद भी नहीं था कि मैं ब्लॉग भी करवा रहा हूँ भाई, मतलब ब्लॉग ऑन है अपना, मतलब वीडियो कैमरा गोप्रो जो भी बोलो, मैं भी ना कभी कभी भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या बोलना रहता है क्या बोल लेता हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। तो भाई अब ना भाई का हैंडल एक बार मुझे चेक करना है कि कैसा लग रहा है ब्रो, यो ब्रो। तो एक बार थोड़ा हैंडल इसका चेक करते हैं कि क्या वॉबल दे रहा है क्या नहीं, हैंडल चेक करते हैं। पहले ना इसका हैंडल बहुत ज़्यादा ना, पहले इसका हैंडल ना भाई जब मैं चलाता था ना तो इसका हैंडल ना थोड़ा वॉबल देता था, बट अब जो है इसका हैंडल वॉबल नहीं दे रहा है, और रीज़न था फ्रंट का टायर। और भाई ने क्या किया है कि इसमें एक महंगा सा टायर डलवाया, उसके बाद से इसका ग्रिपिंग बढ़ गया है और हैंडल वॉबल नहीं कर रही है, एक नंबर लग रही है गाड़ी चलाने में भाई, और मस्त लग रहा है भाई। कभी कभी मेरा भी जी करता है कि यही उठा लूँ, बट उसके बाद सोचता हूँ कि थोड़ा लेट हो, बट कुछ अच्छा लाएँ इससे भी ऊपर लाएँ। एक बार खींचते हैं ब्रो, निकलते हैं आगे एंड देखते हैं खींच के कैसा लगता है भाई। इनसेन पिकअप है भाई, मतलब 150 से सीधा इस पे आने के बाद ना लगता है ऐसा कि इनसेन पिकअप है भाई बाइक में। अब वो चीज़ अलग बात है कि हो सके कि मुझे फील हो रहा हो ऐसा, बट लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ है। तो ये देखो बिहार सरकार भाई, जब से यहाँ पे पूरा चेकिंग वेकिंग का सीन बना है ना तब से डर ही लगता है बाइक भगाने में, कि भगाओ या नहीं भगाओ ऐसा सीन है। तो 101 भाई, पता है फील तो मतलब सेम टू सेम R15 जैसी ही आती है, बट चीज़ क्या है ना कि कहीं ना कहीं इंजन डिस्प्लेसमेंट में अंतर है इस चीज़ में और इस चीज़ में। यहाँ रील्स बन रहा है भाई, और ये देखो जब इसको खींचोगे ना तब पता चल रहा है इस चीज़ का असली मज़ा भाई साहब, क्या ही पिकअप है भाई गॉड। 150 क्रॉस हो चुकी है, 164 पे जाके मैंने स्पीड को डाउन कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं भगाने का अपने को, इतना स्पीड बहुत है।
वेट कर लेते उन दोनों का भाई, क्योंकि वो लोग पल्सर से थे, मेरी V3 रहती तो थोड़ा शायद वो लोग थोड़ा जल्दी कवर करते, बट इस बाइक में ना कवर करना बहुत टफ है। मतलब भाई मैं निंजा से वो 150 से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और आज अच्छी अच्छी थंबनेल्स निकलवाऊंगा। और इसमें ना एक चीज़ करना चाहिए था कंपनी को कि इसमें वाइट लाइट देनी चाहिए थी, LED लाइट, बट इसमें हैलोजन मिलता है, बट ठीक है रात में पावरफुल है। और ना भाई इसका मिरर आगे का चेंज कर दो, वो R15 V3 में टेनर वाला लगता है ना वाइट वाला, वो लगवाओ, इसका लुक बहुत इन्हेंस हो जाएगा, एक नंबर लगेगा देखने में, और मेरे हिसाब से इसमें लग भी जाएगा वो मिरर। तो लो भाई आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक को रखने में क्या मेंटेनेंस आता है, इस बाइक की क्या माइलेज है, इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं, और मैं एकदम जेन्युइन बात करने वाला हूँ रोहित भाई से, जो कि बाइक का ओनर है। तो भाई आज बता दो कि मतलब क्या ऐसा जो मिथ उड़ता है कि बहुत महंगी है इसकी मेंटेनेंस और माइलेज बहुत कम है, मतलब संभाल के चलाने पे क्या माइलेज देती है बाइक? ये 29 निकाल देती है भाई, 29-30 भाई बोल रहा है कि अच्छे से चलाओगे तो बाइक माइलेज दे देगी। और मेरा V3 भी 32-35 के बीच का देता है माइलेज, तो भाई 3-4 का डिफरेंस है, लेकिन बाइक देख रहे हो ना, चीज़ देख रहे हो ना भाई, क्या चीज़ है। भाई ने RS भी रख रखी है, एक R15 भी रख रखी है, भाई के पास तीनों ब्रांड्स की बाइक है, बट भाई इसको मतलब बहुत अच्छे से रखता है भाई। एक और बात है कि रखना भी पड़ता है अच्छे से मेंटेन करके, तभी है, नहीं तो अदरवाइज अगर गंदे तरह से चलाओगे ना भाई तो बहुत पैसा लग जाना है। मतलब मैं पिछले साल मैंने अपने V3 में 30,000 के अप्रॉक्स घुसा दिया रफ चलाने की वजह से, और अगर प्यार से चलाओगे ऐसी बाइक भी रहेगी ना, मशीन को भाई मशीन की तरह रखना पड़ता है ना भाई। और क्या मेंटेनेंस भाई कितना बता रहे थे? सर्विस कॉस्ट है 65,000-6,000 इनसाइड शोरूम। बिल्कुल सही है भाई, तब तो अच्छी बाइक है भाई। और मुझे नहीं लगता है कि ईयर में एक या दो सर्विस से ज़्यादा का जरूरत है, साल में एक या दो सर्विस बहुत है ना, दो सर्विस मतलब तब तो सही है भाई, एक साल में दो सर्विस, तब तो भाई 12,000 में इतनी अच्छी बाइक रख सकते हो आप। हाँ तो भाई देखो वापस आ गया मैं बाइक पे, अभी वहाँ पे हम लोग खड़े थे, थोड़े देर तक बात कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और ना भाई आप लोगों को मैंने बता दिया रोहित से पूछ के क्या मेंटेनेंस है बाइक की और क्या माइलेज है, तो भाई बहुत अच्छी बाइक है और बहुत अच्छे प्राइस रेंज में मिलता है, लेकिन रेट अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। अभी इस बाइक का कितना पड़ता होगा? 4,20-4,25 के अप्रॉक्स पड़ेगा, तो भाई रेट ठीक ठाक है, लेकिन ये चीज़ है ना कि 4-4.5 लाख में ना चाहो तो एक अच्छी कार आ सकती है प्रियॉन्ड में देखोगे तो, बट शौक भरी चीज़ होती है, इसीलिए भाई ऐसे तो कहोगे तो भाई टेनार वगैरह के दाम पे 18 लाख में तो भाई स्कॉर्पियो की टॉप मॉडल आ जाए, थार आ जाए ब्लैक वैसी, बट क्या है शौक बहुत भरी चीज़ होती है भाई, शौक से बड़ा कुछ नहीं है इस जीवन में भाई, शौक पूरे करते रहो, जीवन को जीते रहो। तो भाई पहली बार निंजा को इतने आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि जब भी चलाता हूँ तो थोड़ा खींच के ही चलाता हूँ, मज़ा आता है चलाने में भाई। और यार इसमें पेन वैसा नहीं है, मतलब पेन वेन वाला कोई गेम नहीं है कि मतलब पूरा पेन फील हो हाथ में, या फिर क्या बोलते हैं उसको बैक पेन ऐसा टाइप का कुछ नहीं है, या पाम्स में इसमें भी कोई दर्द वर्द वाला सीन नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट R15 देन उसमें सब कुछ है, सारा सीन है उसमें भाई, कोई भी सीन छूटता नहीं है उसमें, सारा सीन ही होता है उसमें भाई। तो भाई क्या कहती है अपनी पब्लिक, अपने को भी अपग्रेड करना चाहिए अपना बाइक भाई, ऐसे भी बहुत टाइम हो चुका है और अपग्रेड करना ज़रूरी भी है, बट अपग्रेड करने से ज़रूरी क्या है, चैनल को ग्रो करना, और वो आप लोग के हाथ में, बाइक लेना मेरे हाथ में है तो चैनल को ग्रो करवाना आपके हाथ में भाई, आप लोग ग्रो करवाओगे तभी जाके न्यू बाइक ले पाऊँगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चैनल को ग्रो करवाओ भाई, कुछ पैसे वैसे छपवाओ मुझे भी, तभी जाके ना नई बाइक लूँगा मैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दो भाई, बाकी तो ठीक ही है, मैं तो ध्यान देते रहता हूँ सब पे। भाई साहब क्या चल रहा है सीन यहाँ पे भाई, इतना हाई स्पीड रोड पे लड़की को बुलेट देना है कितना टफ चीज़ है भाई, बहुत बड़ा रिस्कफुल टास्क है भाई, मैं तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ और डरना चाहिए भी भाई, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए।
विपुल को आने देते हैं पहले उसको। जा भाई जा जा आगे जा। बंदी बिठा के खींच रहा है बाइक को भाई। भाई इस बाइक में बहुत गंदा वाला टॉर्क है। ये चीज अभी फील हुआ मुझे जब मैंने एक्सेलरेट किया तो आराम से नीचे चल के बैठते हैं। और बिल्कुल सेफ प्लेस पे, मजेदार प्लेस पे, शांति भरा प्लेस पे आ गए हैं। आराम से नीचे बाइक लगाएंगे, बैठ के बात बात करेंगे। धूल बहुत है भाई। तो ये एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ मतलब कोई भी वीकेंड मनाना रहता है ना, लोग यहीं आके बैठते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा स्पेस है, शांति भरा स्पेस है भाई। और क्या ही बोले, नदी किनारे एकदम आराम से बैठो, हवा खाते रहो। लेकिन ठंड के दिन में थोड़ा ठंड ज़्यादा लगता है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और थोड़ा सा डस्ट ज़्यादा है इस एरिया में, नहीं तो भाई इससे अच्छा जगह और कुछ हो नहीं सकता है। तो अभी वो फ़ोन कर रहा, उसको बुलाते नहीं नीचे। लो भाई सीधा वहाँ से मैं यहाँ पे चला आया, लाइक कि वहाँ से फिर रोहित चला गया था अपने घर के तरफ, लाइक कि वो मरीन ड्राइव पकड़ के एंड उसको जाना था अपने घर कंकड़बाग के साइड। तो भाई सीधा उधर चला गया एंड मैं और विपुल चले गए थे बोरिंग रोड, क्योंकि विपुल को कुछ काम था। और काम क्या था, घूमना था, कुछ खाना था ना, उसके बाद घर आना था। तो वो अपना काम हो गया एंड अभी एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को भाई, ठीक है। और एक बार ही तो मैंने भी ब्लॉग किया, तो मतलब उसमें क्या है कि मैंने अडेप्टर का जो टाइप सी वाला केबल है वो इसमें लगा रखा था, और माइक नीचे है, हेलमेट में अटैच्ड है, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वेल अभी एक बार आप लोग को ना अपने फ्लैट का टूर देता हूँ आज, और क्योंकि धीरे धीरे लाइफस्टाइल व्लॉग भी शुरू करना है अपने को भाई। तो देखो ये अपना रूम है, बैचलर का रूम कुछ इस तरह का ही रहता है, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना हम लोगों से। देखो पिलो का कोई कवर वगैरह है नहीं, निकाल के फेंक रखा है। एंड उसके बाद देखो अपने भाई साहब बैठ के पढ़ रहे हैं, और देखो भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आप लोग को, तो परफेक्शन है ये। देखो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि मतलब ये क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे माहौल, और पहली बार देख रहे होगे मेरी यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो मेरे कलीग्स फ्रेंड्स हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। दो दो बैग्स पड़ी हुई यहाँ पे, परफेक्शन है ये इसके, किसके है भाई और कौन ये सब चीज़ कर सकता है, कमेंट डाउन करके बताओ। बाकी यहाँ देखो कितनी सारी बुक्स है भाई। मतलब बाइक चलाना तो ठीक है, वो तो ईजी चीज़ है, बाइक चलाने के पीछे क्या कुछ होता है वो चीज़ आप लोग को पता नहीं चलता है भाई। देखो यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई समझ रहे हो भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई है। देखो भाई बुक का भाई आप लोग बस ये देख लो ना कि कितना मोटा बुक है भाई, अच्छा खासा, समझ रहे हो भाई कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे। बैग वगैरह इधर सारा बुक वुक, इधर कितना सारा बुक और कॉपी पेन बिखरा हुआ है। एंड इधर भाई साहब पढ़ रहे हैं, देखो कौन सी बुक है भाई दिखाना, पॉलिटी की बुक है, इंडियन पॉलिटी। तो भाई पढ़ रहा है, पढ़ने में लगा हुआ है। तो वेल भाई अपना तो इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई रिलेशन है नहीं, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, आप लोग क्या गेस करोगे भाई, अभी तो नहीं है, बाकी इन फ्यूचर देखते क्या होता है। फिलहाल अब जो है इसके आज के इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, एंड आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, एंड थोड़ा सा भाई सपोर्ट करके शेयर करके थोड़ा सा मुझे मतलब प्यार दिखाओ भाई, ठीक है ना। और जल्दी कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी सून। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड चलो तो करते फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।